बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम्स में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें, यानी कि 6 से लेकर जो है 12 तक हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। और उन ऑपरेशंस में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ठीक है, तो हम ये सब ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में हम इनको देखेंगे कि हम, यानी कि स्पेसिफिकली हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं तो हम किस तरह से उनको ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, उस वक्त तो हमने जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने सिर्फ जो है मेथड देखा था, किस तरह से ऐड किया जाता है या किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर्स में गिवन है। ठीक है, 7, 9 एक ये ऑर्डर्ड पेयर है ऑफ रियल नंबर्स, प्लस 3, -5। तो ये दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, जिसमें से पहला जो आपको नजर आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर में, इसमें ये रियल पार्ट है 7 आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट 9 है। ठीक है, और दूसरा हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसमें 3 जो है या 3 वो हमारे पास रियल पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और -5 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब हमने दरमियान में आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान आपको एक ऑपरेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, ऑपरेटर नज़र आ रहा है जो कि प्लस है। ठीक है, ये ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर है, मतलब कि हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, प्लस करना है इनको। तो एडिशन किस तरह से की जाती है कि रियल पार्ट में ऐड होगा, मतलब कि 7 जो है वो 3 में ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, मतलब कि 9 जो है वो -5 में ऐड होगा। तो चलें हम ऐड करते हैं इनको, एडिशन परफॉर्म करते हैं। 7, 3, और 9, -5, ठीक है, या 9, -5 हम प्लस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ऑर्डर्ड पेयर में ही हमने इनको लिखना है। ठीक है, 7 + 3 क्या होता है, 10 होता है, और 9 + -5 यानी कि 9 - 5 बन जाएगा, और 9 - 5 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एडिशन का रिजल्ट आ चुका है जो कि 10, 4 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो सब्ट्रैक्शन का, तो वो भी चलें हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो क्या है, 8, -5, उसके बाद ऑपरेटर है माइनस का, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है -7, 4। ठीक है, तो ये हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और उनके दरमियान ऑपरेटर आपको माइनस का नजर आ रहा है, मतलब कि हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। और सब्ट्रैक्शन आप देख चुके हैं हम किस तरह से, हम इसको क्या स्टेप्स होते हैं, यानी कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कि उसी तरह जिस तरह से एडिशन है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, मतलब कि रियल पार्ट में रियल पार्ट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये बन जाएगा 8 - और ये इसका जो है हमारे पास रियल पार्ट -7 है, ठीक है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद कॉमा आ जाएगा और -5 - यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, 4 होगा। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। अब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ठीक है, 8 + 7 बन जाएगा, और ये -5 - 4 क्या होता है, -9 होता है। ठीक है, तो 8 + 7 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, वो बनता है 15, और उसके बाद कॉमा, और ये -9। ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, 15 - 9। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के ऊपर, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमने मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो चलें उसमें जो हमें गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो मैं लिखता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 2, 6, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि 3, 7 से हमें गिवन है सेकंड, 3, 7। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे,
दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर्स में, ठीक है। तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर्स में हो। तो सपोज मैंने आपको समझाया भी था कि चले मैं उसको अलग से बताता हूँ। जनरली मैंने आपको समझाया था कि ए कॉमा बी और अगर सी कॉमा डी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। ए सी माइनस बी डी, ठीक है, कॉमा, उसके बाद ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर आप उस तरह से भी परफॉर्म करेंगे, सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं लिखूँगा 2 + 6 आयोटा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में मैं ना लिखूँ इसको, ठीक है, आयोटा की फॉर्म में लिखूँ या रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखूँ, तो इस तरह से मैं लिखूँगा इसको 2 + 6 आयोटा, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब तो मैं ब्रैकेट्स नहीं डालूंगा क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मैं नहीं लिखूंगा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 + 7 आयोटा से। तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, फिर इमेजिनरी से, इस तरह, यानी कि चारों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 3 बन जाएगा, ठीक है, और 2 × 3 + 2 × 7 आयोटा, 2 × 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा × 3, 6 आयोटा × 3, ठीक है, और इसी तरह से 6 आयोटा × 7, 6 आयोटा × 7 आयोटा। तो ये हमारे पास यानी कि मल्टीप्लीकेशन की बात आता है, मतलब ये 2 जो है इसके रियल से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इसके इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा 6 + 2 × 7 आयोटा इज 14 आयोटा प्लस 6 आयोटा × 3 18 आयोटा प्लस 6 × 7 इज 42, और साथ में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। तो मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 + 14 + 18 32 बनता है, ठीक है। तो 32 आयोटा, साथ में आयोटा मौजूद है, और प्लस 42 × आयोटा स्क्वेयर है, ठीक है। तो 42 × आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो हम यहाँ पर उसको -1 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो 6 + 32 आयोटा -42। अब इसको मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 42 दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इनको ऐड हम कर सकते हैं, तो ये बनेगा -36, और बाकी जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग से +32 आयोटा, ठीक है। तो अब आप इसको, यानी कि हमने जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है ऑर्डर्ड पेयर्स में, ठीक है। दोबारा से हम इसको ऑर्डर्ड पेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि पहले रियल पार्ट लिख लेंगे -36, उसके बाद कॉमा, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के अलावा हम लिख लेंगे 32, ठीक है, और उसको ब्रैकेट्स में बंद कर लेंगे, तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान यानी कि था, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद हो कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, अगर मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, कि ए को सी के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, मतलब रियल पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस इमेजिनरी पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ए डी प्लस बी सी, अगर ये मैं फार्मूला अप्लाई करूँ। चले मैं इस तरह से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास रिजल्ट में सेम वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती, ठीक है। तो चले हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 2,6 × 3,7। चले हम ए डी, क्या फार्मूला था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इसकी वैल्यूज यूज करेंगे, ए हमारे पास क्या है, चलिए मैं ऊपर भी लिख देता हूँ कि ए हमारे पास क्या है, ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी 7 है। तो ए सी मतलब 2 × 3 बन जाएगा 6, उसके बाद माइनस बी डी, बी इंटू डी, 6 × 7 = 42, ये आगे हमारे पास, उसके बाद कॉमा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, उसके बाद क्या है, ए डी, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 7 इज 14, और उसके बाद प्लस का साइन है,
बी सी यानी कि बी को यानी कि 6 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 18। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 माइनस 42 इज माइनस 36 और 18 प्लस 14 इज 32। रिजल्ट तो बिल्कुल सेम आया, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। अब इस इन दोनों में से आपको कौन सा आसान लगता है वो ही आप आसानी से वो यानी कि आप खुद से चूज कर सकते हैं और जो भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। मतलब आप देखें, अगर आपको फार्मूला याद हो तो ये 2-3 स्टेप्स में ही सॉल्व हो जाता है, और अगर आपको ना याद हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, पहले उसको रियल और इमेजनरी पार्ट में लिखेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके दोबारा से आप उसको ऑर्डर्ड पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मेथड्स आपको दोनों ही आने चाहिए, लेकिन आपको जो आसान लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं इनमें से। अच्छा, ये तो चलें हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया, अब हम एडिशन की तरफ आते हैं। मैं ऐसा पार्ट लिखता हूँ जिसमें हमने एडिशन में कह गया हूँ, डिवीजन की तरफ आते हैं, ठीक है। डिवीजन में हमारे पास है 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, 2.6 उस और 3.7। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, 2.6 और 3.7, ये भी सेम है, वही 2.6 और 3.7, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर ऑपरेटर ऊपर गया था, ऊपर ऑपरेटर मल्टीप्लाई का था, मतलब हमने मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पर ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है डिवीजन का, मतलब हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। डिवाइड करना किस तरह से होता है वो हम पहले देख चुके हैं, उसी तरह से हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपने इसको जो है कन्वर्ट कर लेना है, या फिर मैं चलें इस तरह से कहता हूँ कि हम लिख लेते हैं इसको डिवीजन की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में, यानी कि 2.6 डिवाइडेड बाय 3.7, इस तरह से आपने लिख लिया। तो इसके बाद आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग लिख लें, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर से हटा लें, तो ये क्या बनेगा, 2+6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3+7 आयोटा, ठीक है। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग लिख लिया, या आप इसे कह सकते हैं आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया, अब हमने डिवाइड कैसे करना है, इसके कॉन्जुगेट यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई करना है अब, ठीक है। डिनोमिनेटर आपको क्या नजर आ रहा है, 3+7 आयोटा, इससे आपको चलें याद भी हो जाएगा कि इसका कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी उसका साइन चेंज कर दें, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, ये हम चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए वो। तो यानी कि डिनोमिनेटर के आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 3-7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3-7 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, ठीक है। तो चलें कैलकुलेट करते हैं, 2+6 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3-7 आयोटा से, और डिवाइडेड बाय 3+7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3-7 आयोटा से, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आप देखें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाती है सेम उसी तरह से परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसा करता हूँ, आसान मुझे तो यही लगता है कि मैं ऑर्डर्ड पेयर्स में कन्वर्ट करूँ और फार्मूला यूज़ करूँ और उसको यानी कि मल्टीप्लाई कर लूँ। तो मैं यूँ लिखता हूँ कि 2.6 इंटू 3.-7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आप देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप 3 को ए कंसिडर करें और 7 आयोटा को बी कंसिडर करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी हमने कंसिडर किया है 7 आयोटा को, तो 7 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवीजन हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, मतलब कि ये बनेगा 2 इंटू, चले मैं यहाँ पर सामने दोबारा से फार्मूला लिख देता हूँ, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो चलें अब यहाँ पर हम लिखते हैं
ए हमारे पास 2 है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए सी क्या बनेगा, ए सी 3 2 6, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस बी डी, बी 6 है और डी -7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -42 बनता है, और माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो +42 बन जाएगा, +42। ठीक है, इसी तरह से आगे आ जाएगा ए डी, ए डी क्या बनेगा, -14, 7 -7 × 2, ठीक है 14, और प्लस बी सी, बी है हमारे पास 6 और सी है हमारे पास 3, 6 3 18, तो इसका हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा 6 + 42 इज 48, कॉमा -14 + 18 इज 4, ठीक है 48, 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वेयर इज 9 और -7 स्क्वेयर इज 49, और आयोटा का भी स्क्वेयर है तो आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो ये रिप्लेस इससे कर देते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर उसी तरह से मैं लिख देता हूँ, 48, 4 डिवाइडेड बाय 9 + 49, तो ये बन जाता है 9 + 49 हमारे पास 58 बन जाता है। तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं, 48, 4 डिवाइडेड बाय, ये चले हम 48, 4 नहीं लिखते, इसको हम रियल और इमेजिनरी में ही लिख देते हैं, यानी कि 48 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 49 क्या होता है, 58 होता है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे, मेरा दोबारा से यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखने का मकसद क्या है वो भी अभी आपको समझ आ जाएगा, कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक रियल नंबर आ चुका है और रियल नंबर को हम अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कि हम लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 58, ठीक है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 58 और साथ में आयोटा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रियल पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को आप कह सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 58 जो है वो रियल पार्ट है, और 4 डिवाइडेड बाय 58 जो है वो इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, मैं बस यहीं पे इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देता हूँ, ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 58, 4 डिवाइडेड बाय 58, तो ये आपके पास रिजल्ट आता है डिवीजन का। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि 2, 6 और 3, 7, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपस में डिवाइड किया जाए, यानी कि 2, 6 को अगर डिवाइड किया जाए 3, 7 से, तो हमारे पास रिजल्ट में आता है 48 डिवाइडेड बाय 58, 4 डिवाइडेड बाय 58, या फिर आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में देखें तो ये आता है 48 डिवाइडेड बाय 58 रियल पार्ट प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा है। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी डिवीजन का है, और हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है वो है 4, 5, -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय -3, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, -3, -8, ठीक है, तो इन दोनों को भी हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड आपको पता है जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि 5, -4 डिवाइडेड बाय -3, -8, ठीक है, इस तरह से आप लिख लें, उसके बाद आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करके लिख लें, मतलब हम इससे लिख सकते हैं 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखें, -3, -8 आयोटा, तो ये आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, मतलब जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ये होगा कि हम उसके इमेजिनरी पार्ट को के साइन को चेंज कर देंगे, मतलब जो -8 आयोटा है उसको +8 आयोटा कर देंगे, बाकी सेम रहेगा, रियल पार्ट सेम रहेगा, मतलब ये बनेगा -3 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 8 आयोटा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।